हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं वाटर प्रूफिंग। तो ये हमने यहाँ पर पाइपलाइन कर ली है, देख सकते हो आप। और ये बाकी है थोड़ा, और ये है कमोड और बाथरूम दोनों एक साथ यहाँ पर है। ये रहा कमोड का पॉइंट, और ये रहा नहाने का पानी जाने का पॉइंट। यहाँ पर मैं मल्टी ट्रैप लगाने वाला हूँ, और वहाँ से ही मैं ये उस बाथरूम का जो देख सकते हो, सॉरी बाथरूम नहीं है, टॉयलेट और इसका पैन लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी मैं कोबा कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अभी कोबा करूँगा। और उसका जाने वाला पानी मैंने वो कोने में निकाला है, देख सकते हो, वो 1.5 इंच का पाइप है। अभी हम यहाँ पर कोबा कर रहे हैं, तो इसको पहले हम कोबा कर लेते हैं। इसको सेट कर दिया है मैंने वो कमोड का पॉइंट, और ये दूसरे दिन उसके 10 दिन के बाद है, दूसरे दिन के बाद है। अभी हम वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए हमने अल्ट्राटेक का वेदर प्रूफ का वाटर प्रूफ प्रूफिंग लिया है। ये 7 किलो को हाई फ्लेक्स पाउडर है और 5 किलो लिक्विड है इसमें, 5 kg। तो इसको हम 2:1 के रेशियो में यूज़ करने वाले हैं। तो ये मिलेगा आपको बाज़ार में 2000 के आसपास, ये इसका रेट है, ये 2000 के आसपास आपको मिल जाएगा कोई भी हार्डवेयर के दुकान में। तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। हम 2:1 के रेशियो में इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसको हम भी मारेंगे वर्टिकल। एक हाथ पहले दिन वर्टिकल, दूसरे दिन हम मारेंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये देख सकते हो, पहले दिन हम मार रहे हैं वर्टिकल साइड। तो ये हमने पूरा पैक कर दिया था इससे इसके पहले दिन। अभी हम इसको घोल मिला दिया है। 1 kg हमारा लिक्विड है और 2 kg हमारा पाउडर है। तो इसको अभी हम वर्टिकल साइड मार रहे हैं, देख सकते हो आप। इसको कोने में ज़्यादा अच्छी तरह से मारना पड़ेगा आपको। और ये इसको हम पहले दिन एक हाथ मारेंगे और दूसरे दिन दूसरा हाथ, और बचा हुआ फिर से हम एक हाथ मार देंगे। इसको सूखने के लिए पूरा 24 घंटा लगता है पहले हाथ के लिए। तो एक दिन पहले हम वर्टिकल साइड मार देंगे, यहाँ से हमारा ड्रेनेज पानी जो भी लीकेज वाला पानी होगा यहाँ से निकलेगा हमारा। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का ये बाथरूम है, तो इसको अभी हम वर्टिकल हैंड मार रहे हैं इस तरह से। उससे पहले आपको ये पूरे बाथरूम साफ कर देना पड़ता है छन्नी हथौड़ी और ग्राइंडर की मदद से। वो हमने साफ कर लिया था, और इसका हमने आपको कोबा भी दिखा था किस तरह से किया था हमने। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसका जो स्लाप लेवल था बहुत ही कम था, वो इसलिए हमने वहाँ पे कोबा नहीं किया है, यहाँ पर ही किया है हमने। बस यहाँ पे ओरिसा पैन सीट लगने वाली है। तो इसका ड्रेनेज हमने यहाँ पर निकाला है, जो भी लीकेज पानी होगा वो सीधा उस कोंटे में जाएगा। उस कोंटे से हमने वो पाइप मल्टी ट्रैप को जोड़ दिया है, जो भी पानी जाएगा यहाँ से लीकेज वाला वो सीधा उसमें जाएगा और नीचे नहीं टपकेगा। इस तरह से हम यहाँ पर पहला हाथ मार रहे हैं इसमें भी, ये वर्टिकल साइड में। तो आपको ये दीवार पे 1 से 1.5 इंच, सॉरी 1 से 1.5 फीट आपको दीवार पर भी ये मारना पड़ता है इस तरह से। देखिए हमने मारा है 1 से 1.5 फीट दीवार पर भी हमने यह हाथ चलाया है। इसका तो पूरा हो गया है पूरा हाथ, देख सकते हैं ये वर्टिकल साइड में हमने मार दिया है, पूरा आपको क्लियर दिख रहा है। और आपको पूरा मार देना है। यहाँ पर भी हम वर्टिकल साइड मार रहे हैं, ये आपको हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, लेकिन ये वर्टिकल है हमारे हिसाब से। इसको आपको पूरा 24 घंटे
ये एक हाथ मारने के बाद 24 घंटे सूखने के लिए छोड़ देना पड़ेगा। 24 घंटे बाद आप दूसरे दिन इसके ऊपर दूसरा हाथ मार सकते हैं। अभी हमने ये वर्टिकल मारा है तो दूसरे दिन हम इसको हॉरिजॉन्टल मारेंगे। अभी हमने ये दूसरे दिन का ये दिन है तो हमने हॉरिजॉन्टल मारा है, देख सकते हो आप ये ब्रशिंग हमारी हॉरिजॉन्टल साइड में हुई है और यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल साइड मार रहे हैं, देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल साइड है पूरा। इस तरह से आपको मारना है 2:1 के रेशियो में। 1 kg अगर आपका, 1 लीटर आपका अगर लिक्विड रहा तो 2 kg आपका पाउडर होना चाहिए कम से कम। तो इस तरह से हमारी ये वाटर प्रूफिंग होती है और बचा हुआ हम जो लिक्विड और पाउडर रहता है उसको भी हम उसी पर यूज़ करना है, कहीं और यूज़ नहीं करना है। अच्छी तरह से ये पूरा सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद हम यहाँ पर ओरिसा पैन सीट लगा देंगे। तो इस तरह से आपको ये वाटर प्रूफिंग करना है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। इस तरह से मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी और टिप्स देता रहूँगा इस चैनल के मदद से। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।